हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास हरमन। सो गाइस, जल्द दिखलाजा सीजन 10 ग्रैंड फिनाले की शूटिंग फिलहाल चल रही है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीजन का विनर किसको होना चाहिए। तो मैं आपको 7-8 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूं जिसके बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि सीजन का विनर किसको होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि इस सीजन में मेनली कॉम्पिटिशन चल रहा है फैजू एंड रुबीना के बीच में, तो यहाँ पे हम फैजू एंड रुबीना की जर्नी को कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर फाइनल वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फैजू एंड रुबीना को ऑलमोस्ट सेम ही वोट मिले हैं। फैजू को थोड़े से वोट ज्यादा मिले हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग मेकर्स कंसीडर नहीं करेंगे। लास्ट वीक दोनों को ही 34 स्कोर्स मिले थे, तो यहां पे भी टाई हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरे सीजन के स्कोर्स को कंबाइन करते हैं तो रुबीना का स्कोर बनता है 293, फैजू का बनता है 291, तो रुबीना के यहाँ पे 2 नंबर ज्यादा है। अब अगर हम पूरे सीजन के वोट्स को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे 19-20 का डिफरेंस नहीं है। रुबीना के वोट्स काफी ज्यादा है फैजू के अकॉर्डिंग। एक हफ्ता ऐसा था जिसमें रुबीना के लिए वोटिंग लाइंस ओपन थी, फैजू के लिए नहीं थी। अगर हम उसको कंसीडर नहीं भी करते, बाकी आई थिंक जो 10 हफ्ते बचते हैं जिसमें रुबीना एंड फैजू दोनों के लिए वोटिंग लाइंस ओपन थी, उसमें जो अगर आप वोटिंग्स को कंबाइन करोगे तो रुबीना के वोट्स काफी ज्यादा है फैजू के अकॉर्डिंग। अब अगर बात करते हैं गोल्डन चेयर की, फैजू के पास एक गोल्डन चेयर है लेकिन रुबीना के पास कोई भी गोल्डन चेयर नहीं है। लेकिन फैजू को 5 बार गोल्डन स्टैंप मिली थी, रुबीना को 6 बार गोल्डन स्टैंप मिली है। और सही है, कॉइन रुबीना के पास काफी है, फैजू के पास आई थिंक सो एक भी नहीं है। तो यहाँ पे हर एक चीज के बारे में अगर आप बात करोगे तो रुबीना ही आगे है। सबसे बड़ा पॉइंट जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा कंसीडर करना चाहिए वो ये है कि आपने कितनी डांस फॉर्म्स की हैं। बिकॉज अगर आप एक ही डांस फॉर्म करोगे बॉलीवुड फ्री स्टाइल, तो उसमें तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते ही रहेंगे। लेकिन आपने अपनी कितनी शेड्स दिखाई हैं वो मेरे अकॉर्डिंग एक डांस कॉम्पिटिशन में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे अगर फैजू की बात करते हैं तो उसने फ्री स्टाइल, बॉलीवुड और एक दो और डांस फॉर्म है जो कि रिपीट की थी, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी रुबीना ही विनर है। बिकॉज रुबीना ने कोई भी डांस फॉर्म रिपीट नहीं की है। आप विकिपीडिया पे जाके डांस फॉर्म्स वाला जो टेबल है वो चेक कर सकते हो, वहां पे आप देखोगे कि रुबीना ने हर हफ्ते एक नई डांस फॉर्म की है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि सनम को हमें क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज मैंने ट्विटर के ऊपर देखा है काफी लोग कह रहे हैं कि रुबीना अच्छा कर रही है लेकिन सनम उसको ले डूबेगा। तो यहाँ पे हमें क्रेडिट सनम को देना चाहिए, सनम ने ही रुबीना को पुश किया है कि हम डिफरेंट डांस फॉर्म करेंगे, हम बॉलीवुड और ये फ्री स्टाइल के ऊपर ही नहीं बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे हमें जो उसका कोरियोग्राफर है उसको भी क्रेडिट देना चाहिए कि उसने रुबीना को पुश करते हुए सबसे ज्यादा डांस फॉर्म करवाई है इस सीजन में। तो अगर आप किसी भी चीज के बारे में बात कर लोगे तो हरेक बात में रुबीना फैजू से आगे है, और मेरे अकॉर्डिंग रुबीना को ही इस सीजन का विनर होना चाहिए। बाकी आपके अकॉर्डिंग इस सीजन का विनर कौन होगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो फाइनल विनर रिवील होगा वो आज रात तक हो जाएगा, तो उसके बारे में मैं कल वीडियो डाल दूंगा। तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लेना सो डैट आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।